हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। तो आज के क्लास में कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रहे थे स्नैपिंग के रिगार्डिंग, उसी पे आज का क्लास है। यहाँ पे आपका होता है स्नैप टूल, इसका शॉर्टकट होता है आपका यस। ठीक है, तो आप एस प्रेस करोगे, ये देखिए, ठीक है, तो एस से आप स्नैपिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आप चाहते हो, ऐसा कुछ राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका सारा कुछ ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को स्नैपिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अगर वो स्नैप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तो वो स्नैप हो नहीं रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ से इसको बैक पे करना है मान लो, तो वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे ही मैंने आपको ऐसे ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, राज की बात आप देख सकते हो। मैं जो स्नैपिंग का यूज करता हूँ, बस ये यूज करता हूँ। अक्सर लोगों का क्या होता है, जब आप अपना स्नैपिंग ओपन करते हो ये सारा कुछ ऑन होता है। ठीक है, और बिगनर्स को बिल्कुल मालूम नहीं होता है कि मुझे कैसे क्या यूज करना है, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारे स्नैपिंग आपने ऑन कर रखे तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे स्नैपिंग है, ठीक है, ये सब तो हालांकि मैं बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, किसी भी मॉडल को एंगल प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे एंगल सेट कर लेते हो। नीचे का जो ये ग्रिड है आपको कितना चाहिए, 1 फीट बाई 1 फीट चाहिए, 6 इंच बाई 6 इंच का चाहिए, डिपेंड करता है कितना चाहिए, देखना आप ग्रिड बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखिए, 1 फीट का, हाफ इंच का, मतलब हाफ फीट का, 6 इंच का, 0.25 कर दोगे यानी 3 इंच बाई 3 इंच का ये ग्रिड हो गया। तो ऐसे करके आप ग्रिड के सेट कर सकते हो, यहाँ मीटर में भी कर सकते हो, 1 मीटर बाई 1 मीटर का चाहिए। हालांकि अभी साइज मैंने मीटर में नहीं रखा है, लेकिन 1 मीटर 3.281 होता है। तो ये आप देखिए, अभी जो मेरा है ये मीटर में है। ठीक है, तो चलिए मैं 1 फीट का रखता हूँ या 6 इंच का, मैंने ऐसा ग्रिड रखना है तो ये कर लूंगा। उसके अलावा यहाँ पे ये 7 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो और इसको आपको 10 चाहिए, यहाँ से आप 10 कर, तो यहाँ से भी आप काफ़ी व्यू पोर्ट के काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए 7, तो मैंने फिर 7 कर दिया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। या एंगल है किसी के मॉडल को, मान लो यहाँ पे मैं एक स्फीयर रख लेता हूँ, सॉरी स्फीयर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मैं एक टीपॉट रख लेता हूँ, यहाँ पे मान लो एक टीपॉट। अब मुझे टीपॉट को, अब देखिए, अभी जो अगर मैं इसे रोटेट करूँगा, ठीक है, इसे अगर मैं रोटेट, चलो स्नैपिंग थोड़ी देर के लिए बाहर बंद कर लेता हूँ, तो ये 5 पेक रोटेट कर रहा है। मान लीजिए मुझे, सॉरी मैं अंडू, पहले तो इसे अंडू कर लूँ, मुझे 90 डिग्री पर सीधा रोटेट करना है। तो देखिए अब, क्योंकि यहाँ पर 90 क्लिक कर दिया, अब चाहिए ऑन भी होना चाहिए, तो देखिए देख लो सीधा 90 पे जा रहा है। अगर 90 पे नहीं करना है, मुझे 45 पे करना है, तो आप देखना सीधा 45 पे जाइए, 45 पे गया, फिर 90 पे गया, 45 पे फिर, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो, 45 का भी हाफ कर सकते हो, तो ये सब डिपेंड, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चला गया, अभी हम थे स्नैपिंग पे सिर्फ, जो मैं समझाने आया था। तो ये था स्नैपिंग के लिए कि आप सारा कुछ यूज मत करो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सेलेक्टेड जो भी आपको यहाँ पे, एक तो स्टैंडर्ड में रखना है, ठीक है, बॉडी स्नैप है, नब्स है, पॉइंट है, ये सब यहाँ पे होते हैं, इनमें आपको कौन सा रखना है स्टैंडर्ड, और आपको क्लियर कर देना है। यहाँ से सबसे पहले क्लियर पे क्लिक कर देना है, जो आपको सेलेक्टिव है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स रखो, जो मैं यूज करता हूँ। आप अपने, आप और R&D करके डिटेल में चीज़ें देख सकती हो, मैं बस ये 2 यूज करता हूँ। ठीक है, और कहीं आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही, अगर मैं इसके अलावा मैं अगर अंडू करूं, ठीक है, मान लो इसी को, तो जैसे अभी मैंने स्नैपिंग किया था, मैंने अभी स्नैपिंग किया, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे, देखिए एक बार मैं इसे करता हूं, ठीक है, नीचे भी कर सकता हूं, लेकिन ज़्यादातर मान लो अगर आप टॉप व्यू में हो, ठीक है, टॉप व्यू से अगर आप कर रहे हो, मान लो मैंने यहाँ किया, तो देखिए ये नीचे गया, ठीक है, तो और अक्सर, हालांकि एक प्रॉब्लम आपको और होगा हमेशा, मान लीजिए आप यहां से इसको 2 2 पे कर दीजिए, ठीक है, देन करते हैं, देखते हैं, इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है, बट आपको एक और देखने को मिलेगा कि कब अक्सर टॉप से आप इस तरह से बड़े ऑब्जेक्ट में करोगे, तो आप इसका, आपको अलाइन, इसका अलाइनमेंट आपको ध्यान रखना होगा कि 2 है, 2.5 है या 3 है। 3 में ये अपर मिलेगा हमेशा, जैसे ही आप स्नैपिंग करोगे
ये स्नैपिंग जैसे कर रहे हो, अगर आप टॉप से कर रहे हो तो बहुत बार होता है कि ये टॉप पे आपको अगर मान लो नीचे से चाहिए अलाइनमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए आपको, अगर ये ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, आपको तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि इसको टू कर दें तो ये नीचे से अलाइनमेंट लेगा, थ्री ऊपर से लेगा, 2.5 भी है, तो ये चीज भी आपको हमेशा स्नैपिंग में ध्यान रखना होगा, बाकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इधर अब मुझे काफ़ी सारे मैसेज काफ़ी लोगों के स्नैपिंग कोड के रिगार्डिंग आए कि स्नैपिंग बता दीजिए, स्नैपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो एक अलग से बनाते हैं क्लास स्नैपिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, आई होप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, और तो यही सब है, इस तरह से आप स्नैपिंग का यूज कीजिए। ये देखिए अभी ये नीचे से चला गया, देख रहे हो, तो सिमिलर था इसीलिए प्रॉब्लम, ये देख रहे हो टू है ऑटोमेटिक, ये नीचे से गया। चलिए फिर से हम अंडू करते हैं और इसको हमें अगर थ्री करके देखता हूं, ये देखो ऊपर से गया, क्योंकि ये सेम साइज में था तो उस समय पता नहीं चल रहा था, लेकिन आप अब आप देख सकते हो आज की बात। फिर से मैं ऐसे अंडू करता हूं, देख रहे हो थ्री है, टॉप से मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो यहां से आप सब तो कर सकते हो डिफाइन, क्योंकि हमें इस एंगल पे ये चीज चाहिए, पर टॉप से आपको खास करके ज्यादा प्रॉब्लम, जब आप टॉप से या किसी साइड एंगल से ऐसे करते हो उस समय ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा क्रिएट करता है। तो आप जैसे थ्री से कर रहे हो ऑटोमेटिक ये ऊपर से जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लेन है ना, 2D है, ऊपर जाएगा। मैं अगर टू टू करूं तो देखो ये बैक बॉटम पे जाएगा, ये देखिए बॉटम पे चला गया। और चलिए हम सॉरी, मैं पहले तो अंडू कर दूं और इसे अगर 2.5 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 2.5 पे ऐसे जाता है और 2 पे ये, 2 पे भी ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह से आप यूज करें, ठीक है। थ्री देखिए टॉप पे चला गया, तो ये है। और सबसे जो मेन मुझे बताना था कि आप इसमें सेलेक्टिव यूज करें, जो भी आपको स्नैपिंग के लिए जो भी ऑन करना है ग्रिड लाइन चाहिए। और मैं अपना जो यूज करता हूँ बस फर्स्ट में भी दिखाया, एंड पे भी दिखा रहा हूँ कि मैं बस ये दो यूज करता हूँ और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं, बहुत अच्छा स्मूथ जो है स्नैपिंग हो जाता है। तो ये था, काफी लोगों का इधर मतलब 10 लोगों से ज्यादा का मैसेज आया कि स्नैपिंग के रिगार्डिंग उनको इश्यूज हो रहे हैं। मैंने तो लाइव क्लास का बोला था कि बता दूंगा, लेकिन कोई नहीं आज ही मैं बता दिया हूँ, एक सोचा नया एक अलग से वीडियो बना देता हूँ स्नैपिंग पे। तो ये था, और आपको और भी फ्यूचर में चाहिए आपको कि अपडेट मिलता रहे और मैं इसी तरह बनाता रहूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर के अपडेट्स के लिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं स्नैपिंग में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अगर इस बीच आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिंदास आप कमेंट कीजिए और मैं उसके ऊपर फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है, या लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।